हम आपको ये बताते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या क्या फ़र्क होता है और कैसे ये आप ऑनलाइन आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद साबित होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको खाली एक सिंगल पीसी या सिंगल लैपटॉप पे ही आप यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप यह ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपको जहाँ चाहे मन चाहे आप यूज़ करें, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैब हो। लाइक जीमेल में आप कभी भी, चाहे मोबाइल में यूज़ करना है तो मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट में यूज़ करना है टैबलेट में, पीसी में यूज़ करना है तो पीसी में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफलाइन में, अगर आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आप परचेस करते हैं तो आप खाली उसके अंदर विंडोज़ सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो। पर अगर आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपका ओएस कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप विंडोज़ ओएस में ओपन करें, चाहे वो मैक ओएस में ओपन करें, या चाहे वो लिनक्स में भी ओपन करें, आप जहाँ भी ओपन करेंगे विद हेल्प ऑफ नेट आपका सब कुछ चलता रहेगा। ऑफलाइन में एक चीज़ रहती है कि आपको इंटरनेट की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप ऑनलाइन से कंपेयर करें तो ऑनलाइन में इंटरनेट की मस्त ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर आप चाहें तो आप इनफैक्ट अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर आपकी बहुत मिनिमम में इंटरनेट यूज़ करता है। चौथी चीज़, आपका जो आप अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो लैपटॉप हो। और इंस्टॉल करना मतलब आपके जो पीसी रहता है, हार्ड डिस्क रहता है, उसकी स्पेस लेगा। तो जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर रहता है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसेस लेने की कोशिश करता है ताकि वो अच्छे से वर्क करे। अगर आप ये ऑनलाइन की कंपैरिजन करें तो ऑनलाइन में आपको कोई भी टेंशन नहीं है आपको स्टोरेज का, चाहे वो पीसी हो, चाहे लैपटॉप हो। आपका ये जो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रहता है वो पूरा क्लाउड पे स्टोर रहता है। तो मतलब खाली आपको लिंक आईडी और पासवर्ड डालना है, आपका डायरेक्टली आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट, आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें डेटा का खो जाना या डेटा का लॉस होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें कैसे होता है, अगर आपका पीसी बाय चांस कभी ख़राब हो गया या फिर रीस्टार्ट हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है या फिर फैक्ट्री रीसेट हो गया, तो आप कहाँ से अपना इतना सारा डेटा जो स्टोर किए कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि वो जो भी डेटा स्टोर रहता है वो आपके फाइल्स के अंदर रहता है। पर ऑनलाइन में यही फ़ायदा रहता है। अच्छा, ऑनलाइन में अगर आप कोई भी डेटा स्टोर करें तो वो आपका डेटा पीसी में स्टोर नहीं होगा, वो आपका डेटा क्लाउड में स्टोर होगा। जिससे क्या होगा, अगर आपका पीसी बाय चांस कभी रीस्टार्ट चला गया, कभी कुछ ख़राब हो गया या कभी मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ गई, तो आपका पूरा डेटा सेफ है। आपको सिर्फ दूसरे पीसी में लॉगिन करना, अपना आईडी और अपना पासवर्ड डालने का, आप अपना पूरा डेटा देख सकते हैं। पाँचवा पॉइंट, अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसमें एट ए टाइम एक सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है, चाहे वो आपका कोई भी बंद, या चाहे आप यूज़ करें या फिर आपका कोई भी स्टाफ यूज़ करे। पर अगर आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आप एट ए टाइम 2 से 3 से 4 पीसी तक इनफैक्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप एडमिन हो तो आप अपने पीसी पे यूज़ कर सकते हो, अगर आपका स्टाफ के पास पीसी है तो आप उनके स्टाफ पे भी ओपन करके रख सकते हो। ये फ़ायदा रहता है कि मतलब आप दो लोग एक साथ काम कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। और सबसे मेन चीज़ जो हम सब के दिमाग में पहले आता है सॉफ्टवेयर लेने से पहले, कि अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के लिए पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आपके लिए हायर करना पड़ेगा, जो आपके आपके शॉप पे आके इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करके पूरा कनेक्शन डालेगा, सब कुछ करेगा, जिसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो। पर यही अगर आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो कोई भी एम्प्लॉय को आपको आपके पास नहीं आने की ज़रूरत ही नहीं। विद इन 1 डेज के अंदर आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा, आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, फिर आपको खाली आईडी और पासवर्ड डालने का, आईडी और पासवर्ड डाल के यूज़ करें। तो आप ही हमें मुझे बताएं कि आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अच्छा लगा कि ऑनलाइन।